जब भी आते हो शिवपुरी ये क्लाइंबिंग जरूर करो। सबसे विदर्भ का सबसे बड़ा जिपलाइन है, 300 मीटर लंबा जिपलाइन है, एक छोटे से पहाड़ी से 300 मीटर हवा में छोड़ा जाता है और अभी डैम का पानी नीचे से आ गया। Hey guys, welcome back to my channel Nikhil Vlogs. मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निखिल Vlogs. तो चलो मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ शिवतीर्थ, जो कि बहुत ही सुपर प्लेस है और नागपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं अभी इस वक्त हाईवे पर हूँ, ये हाईवे है मुलतई बैतूल वाला MP रूट वाला हाईवे है, तो इसी रूट से जाना होता है और अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा। ये यहाँ पे आप बोट, आपको बोट दिख रहा होगा शिवतीर्थ का, सीधा जाके राइट साइड में जाना है हमें। तो चलो चलते हैं शिवतीर्थ और शिवतीर्थ में जाकर सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ के बारे में। तो चलो चलते हैं। फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ से दिया ही गया है सीधा जाके आपको रिटर्न आकर राइट साइड में जाना है। तो गाइज़ आपसे जो टोटल अमाउंट लेते हैं उसका डिस्क्रिप्शन है कुछ ऐसा, तो आप लोग पढ़ सकते हो। सो हे गाइज़, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शिवतीर्थ। ये मेरे पीछे में आप देखो शिवतीर्थ का मेन एंट्रेंस है। तो मैं यहां पर अभी पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं बहुत अर्ली पहुंच चुका हूं। मैं अभी 7 बज रहे 7 बजे ही पहुँच गया एंड यहाँ का स्टाफ 9 बजे आता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो चलो हम वहाँ पर जाकर थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद हम स्टाफ से बात करेंगे एंड टिकट कितनी है एंड यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहो। ये लड़की तो ऐसा लग रहा है ओरिजिनल है गाइस, लेकिन ये एक्चुअल में एक स्टैचू बनाया गया है यहाँ पर, मैं आपको फ्रंट से दिखा दूँ। एंड ये जिसने भी बनाया है बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है, ऐसा लग रहा है कि रियल है पूरा। ऐसा कुछ एंट्रेंस है गाइस और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर टिकट मिलेगी आपको, यहाँ से टिकट लेना होता है। अभी तो बंद है क्योंकि 9 बजे से स्टार्ट हो गए। एंड ऐसा कुछ यहाँ पर व्यू है एंट्रेंस का, तो चलो जैसे ही ओपन होता है उसके बाद मैं आगे की एक्टिविटीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पर गाइस सेल्फी पॉइंट तो बहुत सारे दिख रहे हैं मेरे को, जैसे कि लड़की लोगों को नहीं क्या बहुत शौक रहता है सेल्फीज़ निकालने का। तो मेरे पीछे देखो ये एक सेल्फी पॉइंट है शिव दालन करके, यहाँ पर आप अपनी सेल्फीज़ निकाल सकते हो। ये नाश्ते के टाइम पे देना है। okay, अभी नाश्ता करके अंदर जाना है और 2 से 3 के टाइम पे खाना खाने के लिए आना है आपको। okay, ठीक है, नाश्ता करने के बाद में आपकी व्हीकल से 1.5 किलोमीटर अंदर जाना है। okay, कोई गाइड है के साथ में? सर गाइड की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, सभी जगह पे वर्कर्स अवेलेबल है, कुछ क्वेरी रही तो उनसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू। पप्पी अपनी ले लेगा, मुर्गा मुर्गी की मुर्गा भाई मारो। तो गाइज हमने टिकट ले चुकी है, 1090 टिकट है एक जन की। बहुत सारी एक्टिविटीज है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको नाश्ता करना है। ये मेरे पीछे में आप देख रहे हो नाश्ता पॉइंट, इस मुर्गे के साथ आप सेल्फी भी ले सकते हो जैसे कि मैंने अभी अभी लिया है। तो चलो अभी हम चलते हैं नाश्ता करने के लिए, उसके बाद आगे की एक्टिविटीज करेंगे। तो अभी बहुत जोरों की भूख लगी है, तो चलते हैं नाश्ता करते हैं, फिर मैं आपको आगे का सारा व्यू दिखाऊंगा। सेल्फ सर्विस है गाइज यहाँ पर, गाइज ऐसा कुछ है यहाँ पर, आपको नाश्ता करना है और जो नाश्ता है वो अपने हाथों से लेना है। जैसे यहाँ पे बोर्ड्स लगे ही है, कृपया कूपन निकले का ट्रीटमेंट ना नहीं, और यहाँ लिखा ही है अपने हाथ से लो, सेल्फ सर्विस है ये। तो चलो नाश्ता करते हैं अपन और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखो पोहा है और नागपुर वालों आपको तो पता ही है तर्री, तर्री तो फेमस है अपने नागपुर की, तो तर्री भी है और साथ में आलू पोहा मिल जाता है। मतलब ये रोज सरीका ही रहता है नाश्ते में, कॉमन है ना ये? कॉमन आलू पोहा क्या ये होता है, हाँ, फिर उपमा रहता है। उपमा कब रहता है? मतलब एक हफ्ते चेंज होते रहते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ मेन्यू है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी चलो नाश्ता करते हैं और फिर आगे
के व्यू एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज हमारा नाश्ता हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर शिव तीर्थ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमारे साथ हिमांशु भाई है, ये अभी हमको यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब शिव तीर्थ में क्या क्या है और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, एडवेंचर एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें बताएंगे और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे। तो चलो इनसे जान लेते हैं हम यहाँ के बारे में, फिर आगे जाकर आगे का व्यू एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले शिव तीर्थ टूरिज्म में आपका स्वागत है सर। अभी हम जाएंगे एडवेंचर, सबसे पहले शिव तीर्थ टूरिज्म को सोचा जाए तो 300 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें एडवेंचर पार्क, बोटिंग पार्क, एग्रो एंड अम्यूजमेंट पार्क एंड वाटर पार्क है। सो सभी पार्क एंड पार्क की एक्टिविटीज़ आपकी इस पैकेज को इंक्लूड रहती है। टोटल मल्टी रहने की वजह से आए दिन यहाँ पे रश ज़्यादा रहता है। सो अभी हम जाएंगे एडवेंचर। एडवेंचर में सबसे विदर्भ का सबसे बड़ा जिपलाइन है, 300 मीटर लंबा जिपलाइन है, एक छोटे से पहाड़ी से 300 मीटर हवा में छोड़ा जाता है और अभी डैम का पानी नीचे से आ गया है और 300 मीटर पानी के ऊपर से जाने को मिलता है। सो एडवेंचरियस एक्टिविटीज़ होगी, उसके बाद में गोवा और अलीबाग वाला फन प्रोवाइड करेंगे बोटिंग जोन में, उसके बाद में वाटर पार्क एंजॉय करेंगे सर। तो चलो, तो जैसा कि आपको अभी अभी हिमांशु ने बताया है, अभी हम जा रहे हैं एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो अभी मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क है, अपनी ही व्हीकल से जाना होता है, तो हम चलते हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो चलो चलते हैं और वहाँ पर जाकर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं। और देख रहे हो यहाँ पे बोर्डी लगा है, तो यहाँ पर बोटिंग पार्क, वाटर पार्क, एडवेंचर पार्क, संतरा बगीचा, किला मॉडल। तो सबसे पहले हम चलते हैं एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, वाटर पार्क नहीं जाएंगे वरना हम अपना ही वाटर बन जाएंगे, उससे अच्छा हम पहले चलते हैं एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो चलो गाइज, मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है वहाँ पर और अभी मैं पहुँच चुका हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का फ्रंट गेट। तो चलो अंदर में चलते हैं और अंदर का व्यू एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग फाइनली एडवेंचर पार्क के पास पहुंच चुके हैं और ये उसका एंट्रेंस है अंदर वाला। तो चलो चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, और अभी मैं अंदर जाने का हूँ, अभी यहीं से बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो आगे पता नहीं और कितना खूबसूरत है। तो चलो अंदर में चलते हैं और देखते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। मेरे को तो बहुत ऑसम प्लेस लग रही है, अगर आप लोग भी आना चाहो तो आ सकते हो, मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं लगा मुझे तो, क्योंकि आजकल 1100 रुपये में और क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, सारी एक्टिविटीज़ होती है, और मैं आपको बैक कैमरे से व्यू दिखाता हूँ, आप व्यू देखो उसके बाद डिसाइड करो कि यहाँ पर आना चाहिए या नहीं। पहले हम चलाएंगे गाड़ी, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी। ओह माय गॉड, कौन सा जमाने की गुल्लर शूटिंग। चलो यहाँ पे देखो नोटिस लगा है, क्या लिखा है यहाँ पे, गैर भाषा का उपयोग न करे। आने वाला हूँ यहाँ, भैया कैसी चलाते हैं, अपने को आती नहीं है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। इसमें है क्या? नहीं है, निशाना वैसे पक्का है नहीं, बच गया, पहले निशाना पक्का है अपना। शूटिंग हो चुकी है गाइज, अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ आर्चरी ट्रेनिंग पर, जो कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाण, यू नो धनुष बाण, उससे हम अभी ये जो आप पीछे में देख रहे हो वहाँ पर, उस पॉइंट पर निशाना लगाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं आज मेरा निशाना कितना पक्का है। तो याला मनते अपन का मनते याला धनुष बाण, आता मी याना उड़ावणार आहो समोरचा व्यक्ती, अभी मजा आएगा ना भिडो। फुद्दू हो गया ये, फुद तुमसे ना हो पाएगा। एकदम सेंटर में यार, एकदम सेंटर में पाग, दिखाओ दिखाओ पास में जाके दिखाओ कितना प्रॉपर निशाना है। करने वाले हैं नेट क्लाइंबिंग, यहाँ से मैं सीधा जाऊंगा ऊपर में, और आपको ऊपर से मैं कैसा दिखता हूँ मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो चलते हैं अभी ऊपर साइड में। No. तो गाइज ये एक मेन व्यू है यहाँ का, यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज, रोप ब्रिजेस, और एक है वर्टिकल ब्रिज, मतलब यहाँ पे तीन चार प्रकार के हैं ये एडवेंचरस एक्टिविटीज़। तो ये बच्चों के लिए है मेन,
मैं जाकर क्या करूँ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ ना, तो अगर आपके बच्चे हो तो वो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी प्लेस है ये। तो मैं अभी जाऊँगा रोप क्लाइंबिंग के तरफ और वहाँ पर जाकर मैं वहाँ का आगे का व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। देख ही सकते हो अभी मैं जा रहा हूँ रोप क्लाइंबिंग के तरफ, तो चलो चलते हैं और रोप क्लाइंबिंग करते हैं। सॉरी उसको रोप क्लाइंबिंग नहीं बोलते, जिप क्लाइंबिंग बोलते हैं, तो चलो चलते हैं ऊपर। मैंने लाइफ में कभी क्लाइंबिंग नहीं की है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पकड़ू क्या? पहले पकड़ू सूरज में, बाद में छोड़ू। हाँ क्या बात है गाइस, मतलब ऑसम है ऑसम। ये मेरे पीछे आप व्यू देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा मजा आ रही है। ये पीछे साइड में पानी और ये मतलब बहुत ऑसम है ये प्लेस। तो जब भी आते हो यूपी ये क्लाइंबिंग ज़रूर करो। ये क्लाइंबिंग बहुत ही अच्छी है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो क्लाइंबिंग ज़रूर ट्राई करो, आपको बहुत मज़ा आने वाली है। तो चलो अब हम चलते हैं बोटिंग की तरफ और बोटिंग करते हैं। चार टाइप की बोट्स है, सबसे पहले बनाना बोट, सेकंड सोफा बोट, थर्ड स्पीड बोट और इस साइड पैडल बोट। तो यहाँ पर अजगर भी है तो बी सेफ, और ये जंगल है तो जंगल में तो कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप आते हो ऐसे किसी नेचर में तो सेफ्टी से चलो। पीछे में आप जितना भी ये एरिया देख रहे हो ये बोटिंग का एरिया है, और ये पीछे में लेक है, यहाँ पर हम बोटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं मोटर बोट, जो कि ये मेरे पीछे में ही है, उसके बाद हम करेंगे बनाना राइड, उसके बाद हम करेंगे सोफ़ा बोट। तो चलो सबसे पहले करते हैं हम मोटर बोट। मैं जैकेट पहन लेता हूँ। अभी हमारा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हो गया, बोटिंग हो गई है, अभी तीसरा बचा है, हमें जाना है वाटर पार्क जो कि 3 बजे ओपन होता है। लेकिन आज बहुत मात्रा में पिकनिक आई है एक स्कूल की, मतलब बहुत सारे बच्चे आए हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे कितना इंजॉय करते हैं और हम भी उनके साथ इंजॉय करते हैं। चलो चलते हैं वाटर पार्क के अंदर। ऑसम लगी है गाइस, और यहाँ की टिकट 1190 रुपये है, कुछ ज़्यादा नहीं है, आपका पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड हो सकता है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं पिकनिक का तो ये स्पॉट बहुत अच्छा है, फटाफट से अपने बैग पैक करो और यहाँ पर आ जाओ अपने वीकेंड्स पे।
living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. सो गाइज फाइनली हमारा शिवतीर्थ घूमकर हो चुका है. अब हम जा रहे हैं घर की ओर. मैं निकलता हूँ घर की ओर, आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद.